कंट्रोल एसोसिएशन जन जागृति अभियान मैगजीन के साथ जुड़े। विज्ञापन और अधिक जानकारी के लिए दिए गए पते पर संपर्क करें। जय हिंद, मैं हिना मंसूरी, स्वागत है आपका सीएनसीसी टीवी न्यूज में। दिल्ली चुनाव से ठीक एक दिन पहले सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ओएसडी गोपाल कृष्ण माधव को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा है। सूत्रों ने बताया है कि टैक्स से जुड़े एक मामले में 10 लाख रुपए की रकम तय हुई थी, जिसकी पहली किस्त के रूप में 2 लाख रुपए दिए गए थे। अब तक की जांच के दौरान इस मामले में मनीष सिसोदिया का कोई रोल नहीं पाया गया है। हालांकि इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि बिना अपने राजनीतिक बॉस की जानकारी के ओएसडी घूस नहीं ले सकता। मालवीय ने ट्वीट कर सिसोदिया पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारी यूट्यूब चैनल सीएनसीसी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले पहुंचे आप तक।